देखो तैयार हो रहा है भाई पप्पू। मिलते हैं अगले अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपनी स्कॉर्पियो डिलीवरी हो जाएगी भाई। हेलो गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और सुबह सुबह सागर तैयार हो रहा है, हम जा रहे हैं दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं सागर? दिल्ली जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दादा दादी को कहाँ लेके जा रहे हैं? सत्संग घर में, ब्यास वाले में, RSSB में, है ना। चलो भाई इसको तैयार होने दो। थोड़ा अब चुपचाप है कैमरा, क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहन रखे और ठंड इतनी हो रखी है भाई। मैं अभी बोटी जैकेट निकाल लिया। ये जैकेट बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो चलो भाई गाड़ी निकाल लें जल्दी से, गेट खोल लूँ। जाने दो भाई यहाँ पे मकड़ी के। लो भाई खोल दिया गेट। हाँ अब आया गेट खोलने के बाद, पकड़ लेने को मैं बाहर निकाल लूँ। अरे वाह, ये तो डर वाली आवाज है भाई, फोड़ की आवाज है ये। ये आवाज मुझे बहुत तगड़ी लगती है। ये रखा कुछ फ्रूट व्रूट। वैसे भी आ चुके थे हम यहाँ पे सत्संग सुन के आ गए, मैं और दादा, हम दोनों पहले आ गए। पापा गए वॉशरूम में, और सागर मम्मी और दादी वो तीनों साथ में, हम तीनों साथ थे। तो वो भी आ जाए, उनकी वेट कर रहे हैं, फिर आराम से खाना पीना खाएंगे। अंदर पूरी और सब्जी खा लेते हैं हमने, और सुबह सुबह चाय ले ली थी। तो तब तो मैं व्लॉग बना नहीं पाया, मैं क्या बना लेते हैं। तो सही है, बाकी इसका क्लच बहुत टाइट है भाई, क्योंकि 2,00,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। ये भी आ चुका, मम्मी भी आ गई, दादी भी आ गई। मेट्रो पकड़ेंगे लोग, भाई अभी बीच में यहाँ पे रुक के कुछ खाना पीना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अभी चल रहे हैं वापसी अपना गांव की तरफ, और दादा और पापा वहाँ पे गाड़ी के पास ही वेट कर रहे हैं। ये देख लो भाई, ये भागता हुआ आ रहा जेंटलमैन। चले बेल्ट लगा के हो रहा तू है। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई फाइनली रोहतक पहुंच चुके हैं घर पे। और दिन में भाई मेरी तगड़ी तबीयत खराब हो गई थी, दादा दादी को गांव में छोड़ गए, फिर आ गए यहाँ पे ही। मैं गांव में जाते ही सो गया था भाई, मेरी इतनी तगड़ी तबीयत खराब हो गई बस, क्योंकि रात को मैं सोया नहीं था। पापा खराटे मार रहे थे तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो भाई फिर मैं कहा यार अब तो सोना, कल ही सोऊंगा, स्कूटी को ही सेट कर दूँ, फिर मैं गाड़ी आराम से आ जाएगी, स्कूटी को यहाँ पर लगा के चार्ज कर दूँगा। भाई इस गाड़ी में मुझे सिर्फ दो चीज़ें पसंद आई, एक तो इसका स्टेयरिंग व्हील थोड़ा बहुत पसंद आया, और बाकी इसका म्यूजिक सिस्टम एक नंबर पसंद आया। बाकी भाई मुझे ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में माँ कसम बताऊँ मैं, क्योंकि मुझे इस गाड़ी की लुक ही पसंद नहीं है भाई। और इंटीरियर डिज़ाइन जो नई वाली आती है उसका तो फिर भी थोड़ा ठीक है, उसका तो मस्त दे रखा है, पर इसका ये वाला मॉडल का ना मुझे इंटीरियर पसंद नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ये देखो पता नहीं कैसे दे रखा है, ऊबड़ खाबड़ सा। तो गाइस कल वापसी आ चुके थे, कल नहीं मतलब भाई परसों आ चुके थे। आज मैंने 2 दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बीमार चल रहा था भाई, तगड़ा वाला बीमार चल रहा था। और अपनी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो फाइनल हो चुकी है, कुछ ही दिनों में, कुछ मतलब हफ्ते के अंदर अंदर अपनी गाड़ी आ जाएगी। अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले लेंगे भाई, ब्लैक स्कॉर्पियो की क्लासिक की। और भाई कमेंट कर देना उसमें क्या क्या कराएँ क्या क्या ना कराएँ, तो सारी चीज़ें बता देना जो भी आपके कमेंट होंगे, फिर उसमें से सारे कमेंट पढ़ता हूँ भाई। मैं ऐसे मैं सोचा करूँ कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता भाई, लोग ये कहते हैं कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता भाई। मैं कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं देता क्योंकि मान लो मैं भी चाहता हूँ भाई कि कमेंट्स बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े। सब चाहते हैं भाई, जो भी अपने काम कर रहे हैं अपना काम बढ़ाना ही चाहता है कोई ना कोई, कि भाई उसके बाद फिर मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा सभी के। पर फिर भी भाई मैं जितना हो सकता है पढ़ता हूँ, और जो भी मुझे कमेंट अच्छे लगते हैं मैं उनको लाइक भी करता हूँ। और भाई जिनका रिप्लाई देना होता है, जैसे मान लो कोई इंक्वायरी, अभी गाड़ी कहाँ से ली, कैसे ली, क्या कैमरा लगवाया, जैसे अपने लीवा में था, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि भाई आपने कौन से कैमरा लगवा रहा है कहाँ से। तो मैंने भाई रिप्लाई दे दिए थे यार, तुम्हें ऐसे मतलब छोड़ो ये सब सीरियस बातें। और अब आते मेन बात पे, अपनी गाड़ी आने वाली है कुछ दिनों में, हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी भाई। और अपनी ओला ये खड़ी चमक रही है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और इसकी PPF होने वाली है 1 या 2 दिन में। और अपनी स्कॉर्पियो की PPF की बात हो चुकी है, वो भी PPF भी हो जाएगी। तो चलो भाई देखते हैं भाई, 2 से 3 दिन के बाद व्लॉग आज स्टार्ट किया है, और आज ही गांव से आया था उस दिन के बाद व्लॉग ही नहीं बनाया, और वापसी गांव में ही जा रहे हैं। गांव में भाई फैमिली में एक लड़की है, उसकी शादी है। तो चलो चलते हैं, गाड़ी
टर्न कर ले। अब तो भाई यही चलानी पड़ती है, अपनी स्कॉर्पियो आएगी 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 जल्दी आएगी। लो भाई गांव में पहुंच गए, मिलो पप्पू मिस्त्री से। और मैं यहाँ पे और अपने साथ ये अपना बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड है भाई, 8 सेकंड से ऊपर होने वाली है। लो भाई वापसी आ गई घर, स्कूटी 8:30 बजे चार्ज हो गई फुल। मेरे पास मैसेज आ गया था, अब इसको हटा के साइड में कर दूँ, फिर गाड़ी अंदर कर दूँ और ये भी साइड में कर दूँ। ये बाइक खड़ी यहाँ पर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? से उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हो गए। और भाई ये देखो सुबह सुबह पापा के साथ आ गया रनिंग करने हैं। तो भाई ये देख लो मौसम कितनी ठंड हो गई भाई, तगड़ी तगड़ी ठंड है। देख लो जैकेट वैकेट पहन के सब कुछ पहन गया, संडे का दिन है, आगे सुबह सुबह रनिंग करने। धुंध हो रही है ना या धुआं है? धुंध मिक्स धुआं सही है। तो चलो रनिंग करते हैं सुबह सुबह इतनी ठंड में। कितना होगा? 10-11 डिग्री, 10-11 डिग्री टेम्परेचर तो भाई कितना होगा देखूं, कितना 12 डिग्री है, 12 डिग्री। ये देखो ये, अरे फोकस तो बना ले, ये देखो पार्टली 12 डिग्री सही है भाई। तो चलो रनिंग कर ले। चलो भाई चलते हैं घर की तरफ, घर नहीं ऑफिस पे चलते हैं, वर्कआउट हो चुका है। तो चलो पापा चले आए आगे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, एयरबड्स लगा रखे हैं। चलो तो भाई एक चीज़ बतानी भूल गया, 3 दिन के अंदर नहीं भाई अपनी गाड़ी की डिलीवरी होगी, 1 दिन के अंदर मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आप डिलीवरी व्लॉग ही देखोगे भाई सीधा। तो भाई बहुत खुशी है भाई, काफ़ी खुशी हो रही है भाई। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो अपनी गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो आएगी। मैं जस्ट अभी एजेंसी में बात कर रहा हूँ कि कल किस टाइम हमें डिलीवरी दोगे, आज संडे का दिन है भाई तो कल मंडे है, मंडे को ही अपनी गाड़ी की डिलीवरी है। अभी मैं पापा के साथ ऑफिस में आया हुआ था। तो भाई ये देख सकते हो अपनी लैब है सेरा डायग्नोस्टिक मेडिकल मोड पर ब्लड टेस्ट की, तो यहाँ पर आओ भाई मेरे से मिल लो और टेस्ट करा सकते हो भाई। अगर कोई भी मतलब डॉक्टर के जाता है किसी को प्रॉब्लम है भाई कुछ, तो टेस्ट करा सकते हो अपनी लैब है ये। चलो भाई मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, बाय बाय।